नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सना रहमान। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। बता दें कि भीषण गर्मी के बाद आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भीषण गर्मी के बाद से एक बार फिर से मौसम सुहाना होता नजर आ रहा है। बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 2 से 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगले 2 से 3 घंटे तक बिहार के कई ज़िलों में बारिश हो सकती है। इस वक्त राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम बदलता हुआ नज़र आ रहा है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हवाएँ चल रही हैं, तो मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि आसानी तूफान का असर देखने को मिल सकता है और भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेज़ हवाएँ चलेंगी। और बता कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में पटना के दक्षिणी भाग के साथ साथ और जहानाबाद के इलाके में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 से 3 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक शाम 7 बजे तक पटना समेत अरवल जहानाबाद में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग पहले ही बिहार में 12 और 13 मई को बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। बिहार के 18 ज़िले ऐसे हैं जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। चक्रवाती तूफान आने की वजह से बिहार में मौसम का मिजाज अब बदलता हुआ नज़र आ रहा। हालांकि राजधानी पटना का मौसम अभी सामान्य रहने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब पटना में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि पटना के का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जहानाबाद और अरवल जिले में भी इसी कैटेगरी की तरह वार्निंग है। पटना के विक्रम, पालीगंज, मसौढ़ी और दुल्हन बाजार प्रखंड के लिए खास चेतावनी दी गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को घरों में रहने की अपील भी की है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।